अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू तंदूर व्लॉग। आज जो है ना, मैं आया हूँ इंग्लिश टी हाउस पे और इंग्लिश खाना खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो इंग्लिश खाना खा, दौरे बन गए थोड़े से, तो मैं इंग्लिश टी हाउस आ गया हूँ। तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पर, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा रश है आज, क्योंकि आज वेनसडे है, तो काफ़ी सारे लोग टूट पड़े हैं इंग्लिश टी हाउस में इंग्लिश खाना खाने के लिए। मैं भी आ गया हूँ यहाँ पर और मैंने अपना ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर मैंने बड़ा कोई ना हैवी किस्म का किया, जिसमें मैंने एज़ यूजुअल अपनी मनपसंद कॉफ़ी, जो कि मैं हर जगह जाके पीता हूँ, कॉफ़ी ऑर्डर की है। कॉफ़ी के साथ मैंने बालसमिक फ़िश जो है वो ऑर्डर की है। बालसमिक फ़िश खाने का मकसद ये है कि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है और मुझे खांसी जो है ना मेरी बहुत क्रॉनिक टाइप की है, बहुत लंबा असर रहती है और ये लाइक बचपन से ही इस तरह से है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़बरदस्त है, गाने यहाँ पर हर कैफ़े में बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है गानों के हवाले से, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू करा देता हूँ। ये इस तरह का ये किचन है बस भाईजान, इसी तरह का माहौल है थोड़ा सा, और उसमें ये है कि मैं भी अपने टेबल पर बैठा हूँ एक साइड पर। आप तो अभी मेरा खाना नहीं आया, खाना आएगा तो मैं आपके साथ अपना खाना शेयर ज़रूर करूँगा। और तंदूर व्लॉग की वीडियोस जो हैं, मेरे चैनल का नाम तंदूर व्लॉग मैंने क्यों रखा, अच्छा इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तंदूर व्लॉग इसलिए रखा है क्योंकि मैं अपने व्लॉग जो बनाता हूँ तो वो मैं अपने नाम से ही प्रमोट करता हूँ, मैं अपना कंटेंट बनाता हूँ, मैं किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करता और किसी से मैं वो मतलब है कि कोई डायरेक्शंस नहीं लेता, तो मैं वही बनाता हूँ जो मेरे व्यूवर्स की डिमांड है। और मेरा ये खाने पीने के हवाले से कंटेंट है जो आजकल मैं, जिसको मैंने एक सीरीज़ चलाई है, तो लाइक फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं या आप ऐसे ईटरीज़ हैं जो कि बोथ कॉन्टीनेंटल और इंटरनेशनल सर्व करते हैं, तो उनकी मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह देसी वीडियोस, देसी खाने के खाने पीने के लोगों के लिए भी मैं ज़रूर बनाऊँगा, और इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में हम जो है ना वो अपना चावल, बिरयानी, देसी मुर्गा, बकरा, इस तरह की वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे अपने चैनल पर। तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहें तंदूर व्लॉग, और जो है ये वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, स्किप करके देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ताकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बातें होती हैं जो स्किप हो जाती हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। मेरा ऑर्डर आ गया, मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ। ये बालसमिक फ़िश है ये जो मैंने ऑर्डर किया था, और ये पॉपलेट है, चिकन पॉपलेट, जिसमें दो चिकन है, मैश पोटैटोज़ हैं, इसमें भी मैश पोटैटोज़। और तो गाइस ये बालसमिक फ़िश है जो कि अभी हम टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि ये कैसी है। वाओ, इट्स वेरी टेंडर और सॉफ्ट, ठीक है। वाओ, जो है ना सॉस इज वेरी गुड और फिश इज़ वेरी टेंडर और बहुत मज़े की है, एक बहुत ही मज़ा डिफरेंट होता है। हल्की सी स्मेल आ रही है लेकिन चलो, वो फिश की स्मेल होती है उसके अंदर, ज़बरदस्त है। मैं पोटैटो को चेक करती हूँ। यार मैश पोटैटो भी बहुत मज़े के लग रहे हैं और फ़िश का आप लुक देखें कितना ज़बरदस्त है और बहुत ही टेंडर और बहुत मज़े के। ये है जी पॉपलेट चिकन और साथ में मैश पोटैटो और सॉर्टेड वेजिटेबल हैं, तो ये चेक करते हैं इसका चिकन। इट्स वेरी चीज़ी, इट्स वेरी वेरी चीज़ी। इट्स वेरी चीज़ी और बहुत ही यमी है, और ये आप वेजिटेबल्स हैं साथ, उनको ट्राई करें। और अच्छा एक बाइट मैं इस साइड से, चीज़ वाली साइड से लेता हूँ, यमी लग रहा है मुझे, और ये साथ सॉस लगा के
वाओ इट्स वेरी 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 क्रीमी वेरी चीजी बहुत ही मजे गाइस मेरी कॉफ़ी भी आ गई है ये मेरी कॉफ़ी है आयरिश लैटे आज मैंने ऑर्डर किया था आयरिश लैटे आ गई है ऑर्डर किया था तो कैपुचिनो भी आ गई है और आयरिश लैटे भी आ गई है इसको इन्जॉय करेंगे दिस इज़ दी आयरिश आलमंड लैटे विद फ्राइज फ्रेंच फ्राइज गाइस ये मेरी आयरिश कैफे लैटे लाटे आज ऑर्डर की है जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट जो है वो कॉफ़ी कैफे लैटे में ऑर्डर करूँगा तो मैंने अपनी वो बात पूरी कर दी है हाँ ये कुछ डिफरेंट है थोड़ी स्ट्रॉन्ग है ये कॉफ़ी जो है ना ये कॉफ़ी सही कॉफ़ी है स्ट्रॉन्ग आई लाइक स्ट्रॉन्ग एंड बिटर कॉफ़ी थोड़ी सी कड़वी होनी चाहिए ताकि कॉफ़ी का जो सही फ्लेवर है उसको आप इन्जॉय कर सकें तो मेरे हिसाब से तो ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी मज़े किया तो आप भी कैफ़े लैटे को इन्जॉय कर सकते हैं आयरिश फ्लेवर जो कि बहुत ही फ्लेवरफुल और रिच ऑफ टेस्ट है तो अभी मैं अपनी कॉफ़ी कंप्लीट करता हूँ तो बाद में इसके मतलब बात अच्छा गाइस मेरा डिनर कंप्लीट हो गया है और मैंने जो है अपना भरपूर किस्म से इन्जॉय किया है इस एटमॉस्फेयर को इस एम्बियंस को और बहुत ही मज़े का खाना था डिफरेंट था थोड़ा इंग्लिश स्टाइल से भाई ने बालसमिक फ़िश जो ऑर्डर की थी वाज रियली गुड बहुत टेस्टी थी एक डिफरेंट जो मेडिटेरेनियन सी फूड का टेस्ट आ रहा था इसमें और इसके अलावा जो है कैफ़े लैटे और जो आयरिश लैटे था बहुत मज़े का थोड़ा बिटर और एज़ पर माई टेस्ट बर्ड्स तो वेरी स्क्रम्पशियस एंड वेरी डिलीशियस डिनर तो जो दूसरा था हमारा ऑर्डर उसमें एक कैपेचिनो थी एज़ यूजुअल बहुत मज़े की होती है कैपेचिनो भी और साथ में चिकन पॉपीएट था चिकन पॉपीएट लाइक चीज़ी फ्लेवर क्रीमी और इन टेक्सचर और नाइस मैश पोटैटोज और वो सारा कुछ अच्छा ऑन ए होल अगर आउट ऑफ 10 इनको रेट करेंगे तो फिश आउट ऑफ 10 मैं फिश को 6.5 दूंगा ठीक है और चिकन पॉपीएट को 6.5 ही दोनों को मार्क करूंगा क्योंकि ठीक था क्वांटिटी वाइज भी बस एक अप टू योर लाइक एक बंदे के लिए एनफ था उसके अलावा जो कॉफ़ी है कॉफ़ी जो थी रेगुलर कॉफ़ी साइज़ में है थोड़ा सा क्वांटिटी कम है इसकी लेकिन फिर भी ठीक है कॉफ़ी 9 out of 10 और बहुत मज़े की थी और इंग्लिश टी हाउस छा गया है और वॉर्म जो है वैल्यू फॉर मनी जिसे कहते हैं तो मेरे मुताबिक तो आई रिकमेंड दिस प्लेस और वैल्यू फॉर मनी है बिल्कुल है चिकन पॉपीएट को मैं रिकमेंड करता हूँ चिकन पॉपीएट आप आएँ और ज़रूर ट्राई करें बालसमिक फ़िश है इनके पास ट्रेडिशनल फिश एंड चिप्स हैं वो भी आप आके ट्राई कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं बहुत मज़े का है और इन ऑन ए होल अच्छा जो सॉस थी ना बालसमिक फ़िश की वो मैं आपको बता चुका हूँ कि मेडिटेरेनियन स्टाइल में सर्व की गई थी तो वही मेडिटेरेनियन फ्लेवर था थोड़ी सी सॉर थी और ब्लैक सॉस थी टेंगी थोड़ा सा इसका टेक्सचर था तो आप आएँ और आके इंजॉय करें भाई को तो आज बहुत मज़ा आया है और आप भी आके इंजॉय करें तब तक नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह जल्द आएगा नई जगह पर नए खाने के साथ और तब तक के लिए अच्छा अपने बहन भाई रिश्तेदारों अजीज़ों तारों घर वालों सबका ख्याल रखें तब तक अपने भाई को इजाज़त दें और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला मिलेंगे ज़रूर ट्रिप इंग्लिश टी हाउस पे तो अब मैं जा रहा हूँ वापस और आज की जो मेन फोकस्ड बात थी ना वो ये थी कि वेदर आज बहुत अच्छा है आज आप ये देखें कि 21st of June है जो कि साल का सबसे
گرم ترین دن ہوتا ہے. اور اس بار قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ نشانیاں رکھتا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. تو آج اللہ نے سب سے بڑی نشانی یہ دی ہے کہ سال کا سب سے بڑا دن جو ہوتا ہے 21 جون, اور جو یوزلی بہت زیادہ گرم ہوتا ہے, وہ اس دن اور اتنا اچھا موسم اور اتنا زبردست موسم, تو ماشاء اللہ اللہ کی نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے انسان کرے وہ تو یار بہت ہی کم ہے. تو اس ایک بہت ہی اچھی اور بہت ہی دل کو خوش کرنے والی بات کے ساتھ مجھے دیں اجازت نیکسٹ بلاگ کے لیے. اللہ حافظ.